रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में गायघाट बुजुर्ग के निषाद टोला में लौहर निषाद की पीट कर हत्या की गई। आपको बता दें कि लौहर निषाद जगह थाना क्षेत्र के जीतपुर इलाके का रहने वाला है तथा गायघाट निषाद टोला में उसकी रिश्तेदारी है, जहां पर वह अक्सर आया जाया करता था। वहां के सुरेश निषाद की पुत्री से उसका प्रेम प्रसंग चलता था। सोमवार की रात्रि में सुरेश निषाद की पुत्री को लेकर वह कहीं चला गया और मंगलवार की सुबह छोड़ने घर आया तो लड़की के घर वालों ने उसे पीट दिया तथा गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि रामगढ़ताल थाने को फोन पर सूचना मिली कि एक युवक घर में घुस गया, जिसको घर वालों ने पकड़कर पीट दिया। जिसकी सूचना पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मामला यह सुनने में आ रहा है कि युवक वहां पर किसी से मिलने गया था तथा घर वालों ने पकड़कर पीट दिया। उन्होंने बताया कि युवक के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, कैलाश नाथ यादव प्रधान पत्नी गाँव का लड़का था, ग्राम राय यदिशपुर का थाना जंगह जिला गोरखपुर का रहने वाला था। मामला कुछ था नहीं, उसकी मम्मी और वो गोरखपुर आए थे। अच्छा। उसके बाद वो आदमी वहाँ पर जो उनको बुलाया लड़के को, और उसके बाद रात में ये सब घटना घट गई है। गाय घाट हाँ कुछ था वहाँ पर, क्लियर हमको पता राजी जगदीशपुर का, हम पुलिस को तहरीर दे दी, पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार तो नहीं बताए हैं, लेकिन देखिए किसको गिरफ्तार करते हैं, क्राइम लगे। थाने में सूचना मिली है कि चोर घर में घुस गया, पब्लिक ने पीट दिया। इसी सूचना के अनुसार थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। मामला बैकग्राउंड में आ रहा है, किसी से मिलने के लिए उस घर में गया था, उस घर के लोगों के द्वारा पकड़ा गया, उसी में मारपीट हुई है, उसमें इनकी चोटों के वजह से मृत्यु होना मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पोस्टमार्टम है तो बॉडी को भेजा गया है, पोस्टमार्टम के बाद न्यायोचित कार्रवाई की जाए। जो भी तहरीर है पीएम के साथ एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।